केडगाव मध्ये आयोजित भागवत कथा सप्ताहानिमित्त महंत इंद्र देवेश्वरानंदजी महाराज नगरला आले आहेत. त्यांनी महानगर न्यूजशी विशेष संवाद साधत आधुनिक युगात अध्यात्माला असलेलं महत्व विशद केलं. नमस्कार प्रेक्षकहो, सध्या अधिक मास चालू आहे, पुरुषोत्तम मास याला म्हटलं जातं. आणि केडगावच्या पाच गोडाऊनच्या प्रांगणात सध्या महायज्ञ सोहळा चालू आहे, गीतेचं प्रवचन चालू आहे. आणि या सर्वात पुण्य काळात आपल्यासोबत आहेत आज श्री महंत स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वतीजी महाराज. आज आपण त्यांच्याकडनं काही गोष्टी जाणून घेणार आहोत. अध्यात्म आणि संसार या सगळ्या गोष्टींचा, प्रापंचिक या गोष्टींचा कसा मेळ घालावा आणि या अगदी पुण्य काळात कसं पुण्य प्राप्त करून घ्यावं याबद्दल स्वामीजी आपल्याला थोडंसं मार्गदर्शन करतील. आपण काही गोष्टी त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. स्वामीजी आपका स्वागत है. भागवत कथा में मनुष्य प्राणी के जीवन पर एक ऐसा कहा जाता है कि भागवत ये पूरे मनुष्य प्राणी के जीवन का सार है. जो रामायण सिखाती है, महाभारत सिखाती है, लेकिन आपके अनुसार ये अधिक मास का महत्व आप कैसे आपके लोगों तक पहुँचाएंगे? दर्शन में बात ऐसी है, कर्म का फल तो बराबर ही होता है. आप उसे किसी भी मास में, तिथि में करो, कर्म का फल हमेशा समान रहता है, एक हो गया. दूसरा ये है कि जैसे हम लोग नाव में बैठे हैं, आप जिधर नाव जानी है उस पार, अगर वहाँ से विपरीत हवा चल रही है तो नाव को थोड़ा ज़्यादा चप्पू चलाना पड़ता है, और जो चलाने वाला केवट है उसको बहुत तकलीफ होती है, मेहनत करनी है. और जिधर नाव जा रही है, अगर उसी दिशा से हवा भी जा रही है तो नाव को सहारा मिलता है और कम चप्पू में नाव जल्दी पहुँचती है. तो ये अधिक मास एक तरह से हमारे लिए उस तरह का पुण्य देने वाला है. कर्म का फल तो हमेशा ही समान है, पर अधिक मास जो है पुण्यदायी इसीलिए है क्योंकि 365 दिन में जो ज्योतिष के आधार पर भूगोल में जो दिन घटते बढ़ते हैं, तो जो दिन बढ़ता है, जो समय रोज बढ़ता है सेकेंडों में, मिनटों में, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है समय. क्योंकि संसार के प्रकल्प से, भोग से भी जो समय बच गया भूगोल में, विज्ञान में, तो वो समय एक तरह से भगवान का होता है, उस पर भगवान का अधिकार है. तो परमात्मा उस समय को जमा करके अधिक मास के रूप में हमें प्रदान करता है 3 वर्ष के बाद. तो वो परमात्मा का वरकत वाला समय है ईश्वर का. और ईश्वर जो चीज़ अपने अपने लिए रखते हैं वो भक्तों को जब देते हैं, तो उसमें कोई भी काम परमात्मा के नाम से किया हुआ अधिक फलदायी होता है, ऐसा पुराणों की मान्यता है. एक हो गया विज्ञान की और वास्तविकता मान्यता है कि कर्म का फल हमेशा समान है. हाँ, पर मुझे लगता है जब ये समय हमने शुभ माना है पुरुषोत्तम मास को, तो इस मास में हवा के झोंके की तरह जो लाभ मिलता है नाव को, मैंने कहा, तो ऐसे कर्म को भी बरकत मिलती है. आदमी कर्म छोटा करे पर उसका लाभ उसे अधिक हो सकता है. हाँ स्वामी जी, एक बात अभी हमने यहाँ पे देखी कि बहुत सारे लोग अपने आपके उनके सवाल आपके पास लेके आते हैं. आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल की जो पीढ़ी है वो टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, इनकी तरफ ज्यादा लगाव रखती है, अध्यात्म से कोसों दूर हो चुकी है. और आप उनके लिए ज्यादातर माँ बाप इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, लोग अपने बच्चों को सारी सुई सुविधा देने में तुले रहते हैं, लेकिन आप उनको क्या सलाह देंगे? मैंने मेरी सलाह यह है कि साधन जो रहता है, जैसे अभी कार है, कार तो जाती नहीं सर आपके ठेके पे, व्यक्ति लेके जाता है उसको. इंटरनेट पर तो सब चीज़ें हैं, अध्यात्म भी उस पर है. जो किताब से भी जो ज्ञान नहीं मिलता वो इंटरनेट से आपको मिल सकता है, अध्यात्म का भी, क्योंकि अध्यात्म के ऊपर किताब नहीं है, अनेक विद्वानों के विचार होते हैं. तो आपको जहाँ से भी शूट होता है विचार, वहाँ से आप लेंगे. तो नेट खाली खराबी के लिए प्रसिद्ध है ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो दिनचर्या है वो हल्की चीज़ों की ओर होती है. क्योंकि आप भी कोई सामान उठाने की बात आए तो आप भी बैग हल्का ही ढूंढेंगे, भारी बैग आप नहीं उठाना चाहेंगे. हाँ, तो ये जो हल्की बातें हैं, बकवास, जो दिनचर्या अच्छी नहीं है, जिससे समाज शोषण हो रहा है, विचारों का शोषण हो रहा है, और नवयुवकों का शोषण ही हो रहा है, माता पिता का, धर्म का, सबका शोषण हो रहा है, तो वो विचार हल्के मानते हैं. तो सभी लोग उनकी तरफ ही जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और इसीलिए वो लोग शिकार हो रहे हैं दुखों के, क्लेशों के. और उसमें माता पिता का तो पूरा का पूरा अधिकार है, उस चीज़ में माता पिता का पूरा जुम्मा है कि उनकी वजह से ही हो रहा है, ऐसा समझे आप. ऐसा क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी दिशा दी, समझो जहाँ मुझे पढ़ाया, उससे मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ा, तो मुझे दिशा मिली. माता पिता से दिशा मिलती है क्योंकि माँ पहली गुरु है, पिता दूसरा गुरु है, और टीचर तीसरा गुरु है, किताब चौथा गुरु है.
तो ये चार गुरु तो हमारे नेचुरल है, यानी हमें न दीक्षा ले तो चार गुरु हैं। तो सोशल ज्ञान तो माता पिता से ही आता है, जीने का जो ज्ञान है। आपके एक प्रवचन में आपने कहा था कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। आजकल समाज में ऐसी बात है कि स्त्री भ्रूण हत्या ज़्यादा चल रही है, स्त्री का सम्मान नहीं किया जाता है और उनका शोषण होता है। बहुत सारी चीज़ें वो स्त्री के बारे में अपोजिट में करती है, उल्टी करती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे शास्त्रों का नियम तो ये है कि हम लोग स्त्री पुरुष जो है भेद से नहीं देखते। पहली बात ये तो हो गया मेरा मत, हमारे यहाँ तो स्त्री पुरुष को भेद है नहीं। हाँ, समाज का भेद है वो, और इंद्री भेद है। तो इंद्री भेद होने के कारण हमारे पूर्व सभ्यता जो रही समाज की, उसमें मोहम्मद गौरी की जो सभ्यता रही मुगलों की, उस सभ्यता में स्त्री को दास माना गया है। तो वही सभ्यता की परंपरा को हम लोग अभी तक झेल रहे स्वतंत्र होके भी, और काफ़ी जो है परिवर्तन भी आया है, स्त्रियों को अधिकार भी मिल रहा है, अभी पढ़ाई शिक्षा भी बढ़ी है स्त्री की। अभी हमारे स्कूल कॉलेज में स्त्रियां लड़कियां आगे हैं लड़कों से पढ़ने में, या डिग्री में, नंबर में, परसेंटेज में, और हर जगह उनको आरक्षण मिल रहा है हर चीज़ में। तो अभी चीज़ बदल तो रही है ऐसा, फिर भी लोगों के दिमाग में शोषण की प्रक्रिया तो है ही, तो वो उचित तो है नहीं, पर कहीं कहीं है जैसे ज़्यादा स्त्रियों का शोषण होता है, कहीं स्त्रियां पुरुषों का भी शोषण कर रही हैं समझो। ऐसा नहीं है कि खाली पुरुष ही है भी हैं, स्त्रियां भी हो रही हैं कहीं कहीं पुरुषों को, नुकसान तो स्त्रियां भी कर रही हैं। क्योंकि मुझे कॉलेज की लाइफ में ज़्यादातर जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ जो स्वरूप है वो स्त्रियों का है। हाँ, कॉलेज लाइफ, हाँ, तो दिनचर्या, क्योंकि हम देख रहे हैं कॉलेज में बच्चे सब जाते हैं तो सही कपड़े पहन के जाते हैं, कन्याएं कपड़े वगैरह थोड़ा ठीक ठाक नहीं पहनती कॉलेज लाइफ में। तो यहाँ शोषण वो खुद ही अपना कर रही है, लड़कों को करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अच्छा, जब खुद ही आप बिकने को बैठे हैं तो लोग तो खरीदने को बैठे हैं ना, तो यहाँ कहीं कहीं परिवर्तन स्त्री को भी लाना पड़ेगा। आजकल इंसान की जिंदगी के लिए अध्यात्म क्या जरिया हो सकता है खुशहाल जिंदगी जीने के लिए? अध्यात्म तो हमारे मनुष्य समुदाय का मूल बेस है, क्योंकि बिना धरती के जैसे मकान नहीं बन सकता, तो बिना अध्यात्म के जीवन जी ही नहीं सकते। हाँ, तो बिना अध्यात्म के जीवन जो जी रहे हैं वो पशु जीवन जी रहे हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। तो अभी आप चाहे कोई भी हो अपने मन में, आपके पास परमार्थ नहीं है तो आप पशु हैं, क्योंकि पशु भी बहुत आलीशान जीवन जी रहे। कई कुत्ते ऐसे हैं जो अभी क्या बोलेंगे सब, अब रिलायंस वालों के यहाँ जो कुत्ता है वो तो रिलायंस वालों की तरह ही जी रहा है, टाटा के यहाँ कुत्ता होगा वो टाटा वालों की तरह, उनके बच्चों की तरह जी रहा है। तो बहुत जानवरों की लाइफ मनुष्य से अच्छी है, तो इसलिए अध्यात्म के बगैर तो जीवन मनुष्य का है ही नहीं, वो तो पशु जीवन हो गए। अच्छा, वो कितना भी अपने आप में इतरावे चले कैसे भी रहे, स्वतंत्र है सबका जीना, पर अध्यात्म तो धरती के तरह है, बिना धरती के झोपड़ी भी डाल नहीं सकते, वैसे ही अध्यात्म के बगैर मनुष्य जी नहीं सकता, पर जी रहा है तो पशु तुल्य जी रहा है। विज्ञान अध्यात्म इनका एक दूसरे से आप कैसे संबंध है? ये दोनों पर्यायवाची हैं, अध्यात्म और विज्ञान अलग अलग नहीं है, ये दोनों को बोलने में अलग अलग है ये, पर इन दोनों का क्रिया एक ही है। अध्यात्म का मतलब ही विज्ञान है, विज्ञान जो है कभी किताब से प्रकट नहीं होता, विज्ञान हमेशा अंदर से ही प्रकट होता है, रिसर्च से, अभ्यास से। बहुत अभ्यास करेंगे आप किसी चीज़ का तो विज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसा है। विज्ञान किसी किताब में सीख, विज्ञान आज तक नहीं किसी ने सीखा, विज्ञान के सूत्र किताब में होते हैं पर उसका जो थ्योरी है वो दिमाग में होती है और अभ्यास में होती है। तो किसी चीज़ को निरंतर अभ्यास करने का मतलब ही विज्ञान है और अध्यात्म है, अध्यात्म का मतलब ही विज्ञान है। अधिक मासानिमित्त आज आपल्याला स्वामी देवेश्वरानंदजी महाराज यांच्याकडनं जे काही मार्गदर्शन मिळालं ते अत्यंत बहुमोल होतं स्वामीजी, त्यांच्या उसके लिए आपका धन्यवाद। अधिक मासानिमित्त केडगावच्या या प्रांगणात जे गीता प्रवचन चालू आहे, अलभर परिवाराचं त्याला सहकार्य लाभलेलं आहे, राजेराजे परिवारानं यांचं आयोजन केलेलं आहे आणि या सर्व कथा भागवताचा असंख्य लोक रोज मनसोक्त आनंद घेत आहेत, प्रसादरूपी भोजन घेत आहेत आणि त्याचा निश्चितच केडगावमध्ये एक भक्तिपूर्ण असं वातावरण तयार झालेलं आहे। प्रतिनिधी विक्रम लोखंडेसह मी स्नेहा जोशी, महानगर न्यूज ब्युरो, अहमदनगर।